कनाडा जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए एक बुरी खबर है। कनाडा गवर्नमेंट ने पर्यटकों के लिए यात्रा प्रतिबंधों में थोड़ी छूट देने के बाद एक बार फिर से भारत से आने वाली फ्लाइट्स पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। कनाडा जाने वाले यात्रियों को फिलहाल एक महीने और इंतजार करना पड़ेगा। कनाडा गवर्नमेंट ने मंगलवार को भारत के यात्रियों पर 21 अगस्त 2021 तक प्रतिबंध को बढ़ाए जाने की घोषणा की। आपको बता दें कि कनाडा में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने हाल ही में भारत और कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए एयर इंडिया टोरंटो के प्रतिनिधि के साथ मुलाकात की। बिसारिया ने कहा था कि दोनों देशों के बीच उड़ानें फिर से शुरू करना बहुत ज़रूरी है, खासकर छात्रों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन कनाडा की तरफ से यात्रा प्रतिबंधों को 21 अगस्त तक बढ़ाया जाना पूर्व में किए गए प्रयासों को असफल साबित करता है। नेपाल और भारत के बीच एयर बबल व्यवस्था के तहत काठमांडू दिल्ली मार्ग पर साप्ताहिक उड़ानों की संख्या बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि इस रूट पर पहले सिर्फ 2 साप्ताहिक उड़ानें थीं, जिन्हें वर्तमान में बढ़ाकर 6 कर दिया गया है। नेपाल के नागरिक उड्डयन निकाय ने इसकी जानकारी दी। नेपाल और भारत के बीच एयर बबल समझौते के तहत सेवाएं सीमित हैं, जो कोविड से संबंधित यात्रा प्रतिबंधों के बीच किसी भी दिशा में एक साप्ताहिक उड़ान की अनुमति देता है। इस बीच भारत की कम लागत वाली वाहक इंडिगो और स्टार्टअप वाहक विस्तारा ने भी नेपाल में परिचालन के लिए आवेदन कर दिया है। यूएसए ने इंडिया को अपने लेवल 4 कंट्रीज की लिस्ट से हटाकर लेवल 3 में कर दिया है, यानी कि ज़्यादा हाई रिस्क से कम रिस्क वाली कंट्रीज के लिस्ट में शामिल कर दिया है। अब यूएसए सिटीजन टूरिस्ट वीजा पर भारत की यात्रा कर सकते हैं। एयर इंडिया दिल्ली से न्यूयॉर्क और शिकागो के लिए एडिशनल फ्लाइट 30 जुलाई और 6 अगस्त को ऑपरेट करेगा। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए एडिशनल फ्लाइट 22 जुलाई 29 जुलाई और 5 अगस्त को ऑपरेट की जाएगी। टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। एयर इंडिया के माध्यम से आप भी अपनी फ्लाइट बुक करवा सकते हैं।